हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे रिलायंस जियो प्रीव्यू ऑफर के बारे में जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। सबसे पहले हम रिलायंस जियो के बारे में बात कर लेते हैं। रिलायंस जियो एक तरह की सर्विस है जिसमें आपको 4G डेटा मिलता है, वॉइस ओवर LTE मिलता है, जिसका मतलब है कि आप बेटर क्वालिटी ऑफ साउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आप वॉइस कॉलिंग करें या फिर आप मैसेजिंग करें, वीडियो का यूज़ करें, कुछ भी चीज़ करें तो आपको एक फास्टर स्पीड पे 4G मिलेगा और साथ ही साथ आप वॉइस कॉल्स भी जो है वॉइस ओवर LTE के थ्रू यानी कि 4G की बैंडविथ के ऊपर कर सकते हैं जो कि रिलायंस ने दिया है। अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम की फ्रिक्वेंसी की तो ये 850 MHz की फ्रिक्वेंसी है जिस पर रिलायंस जियो चलता है। अब हम बात करें कौन कौन से फ़ोन्स इसको सपोर्ट करते हैं, क्या इस ऑफ़र के अंदर है और किस तरह से ये लोगों के लिए आने वाला है। अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो ये मार्च में लॉन्च होने वाला था जो कि ऑलरेडी डिले हो गया है कमर्शियल लॉन्च के मामले में दिसंबर तक, तो शायद दिसंबर तक ये नॉर्मल कंज्यूमर्स को मिलना शुरू हो जाए। जबकि अभी कुछ तरीके से आप अगर बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करना चाहते हैं और किसी तरह से एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं इसके साथ और एक्चुअली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि रिलायंस जियो है क्या और कितना फास्ट है ये, उसके लिए आपको कुछ काम करने होंगे कि आप सबसे पहले किसी ऐसे बंदे से दोस्ती करिए जो रिलायंस में काम करता हो, क्योंकि रिलायंस के एम्प्लॉयज़ के लिए रिलायंस जियो ऑलरेडी अवेलेबल है और वो लोग ही बाकी और 10 लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। तो हर एक रिलायंस का एम्प्लॉई जो कि रिलायंस जियो यूज़ कर रहा है वो तकरीबन 10 लोगों को इनवाइट कर सकता है और उस इनवाइट के थ्रू आप भी रिलायंस जियो को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, किस तरह से ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेट इन्होंने कर दिया है और किस तरह से ये अपने स्मार्टफोन बेच रहे हैं जो कि वैसे तो बिक नहीं रहे, तो ये अपने स्मार्टफोन बेच रहे हैं रिलायंस जियो के नाम पे कि अगर आपको रिलायंस जियो की सर्विसेज लेनी है तो आपको रिलायंस का ही स्मार्टफोन लेना होगा जो कि लाइव सीरीज़ ऑफ फ़ोन्स हैं। जो फ़ोन तकरीबन 5,000 से शुरू होते हैं और तकरीबन 20,000 तक जाते हैं, सारे अलग अलग तरह के फ़ोन हैं इनके लाइव सीरीज़ के। उनमें से किसी भी एक फ़ोन को मैंने रिव्यू नहीं किया है लेकिन जो भी मेरे रिव्यूअर्स फ्रेंड हैं वो कुछ बहुत अच्छा उन फ़ोन्स के बारे में नहीं बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिलायंस जियो किस तरह से लोगों के लिए आ गया है, कॉमन लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रिलायंस के एम्प्लॉई नहीं भी हैं तो अभी आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रिलायंस के एम्प्लॉयज़ आपको इनवाइट कर सकते हैं और इनवाइट जब आपको वो कर देंगे तो वो आपको एक ईमेल इनवाइट करेंगे, आपके ईमेल एड्रेस पर वो इनवाइट आएगा। सबसे पहले आपको उस ईमेल इनवाइट को प्रिंट करना है और उसके अंदर आपको एक कोड मिलेगा, उस कोड के थ्रू आप इस ऑफ़र को रिडीम कर सकते हैं। तो आपको उसको प्रिंट करना होगा, प्रिंट करने के बाद रिलायंस डिजिटल स्टोर पे जाना होगा जहां पे आपको ये ऑफ़र मिल सकती है। सारे स्टोर्स पे रिलायंस जियो का ऑफ़र आपको नहीं मिलेगा लेकिन आपको ये पता करना होगा कि कौन से स्टोर पे आपके एरिया में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर हम बात करें इसके अंदर किस तरह से प्रोसेस होता है, किस तरह से आपको ये सर्विसेज एक्टिवेट होती हैं, कितना टाइम लगता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप चाहें तो अगर आपके पास इनवाइट है रिलायंस जियो प्रीव्यू ऑफर का तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स इस ऑफर के अंदर मिल सकते हैं और उन बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो इसमें जो ऑफर्स हैं, सबसे पहली बात, कभी भी आपको इनवाइट मिले तो वो नॉन ट्रांसफरेबल इनवाइट है, यानी कि अगर वो आपके नाम पे वो इनवाइट भेजा गया है तो सिर्फ आप ही उसे रिडीम कर सकते हैं। आपका आईडी प्रूफ उसमें रिक्वायर्ड है उसको रिडीम करने के लिए और 15 दिन तक अगर आपके पास इनवाइट आया है तो वो वैलिड रहेगा। दूसरी चीज़ जो उसके अंदर रहेगी वो ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के लाइव स्मार्टफोन सीरीज़ जो है उसी पर ही ऑफ़र को रिडीम कर सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं। कोई भी थर्ड पार्टी हेडसेट जो कि कोई भी फ़ोन जो रिलायंस जियो को सपोर्ट करता है, वॉइस ओवर LTE सपोर्ट करता है, उस पर आप इस ऑफ़र को ना तो यूज़ कर पाएंगे ना ही रिडीम कर पाएंगे। तो ये आप अच्छे से जान लीजिए कि आपको इस ऑफ़र के जो भी बेनिफिट्स हैं उनको लेने के लिए, उनको पाने के लिए आपको रिलायंस के फ़ोन भी खरीदने होंगे। और अगर हम बात करें बाकी चीज़ों के बारे में कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है, तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इसमें आपको जियो प्ले मिलता है जो कि रिलायंस की तरफ से एक लाइव टीवी सर्विस है। रिलायंस जियो प्रीव्यू में आपको जियो ऑन डिमांड मिलता है जो कि लेटेस्ट मूवीज़ और टीवी शोज आपको 4G पे प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें और चीज़ों के बारे में तो इसमें आपको म्यूज़िक सर्विस भी मिलती है जो कि जियो बीट्स है, जिसमें आपको अलग अलग तरह के सॉन्ग्स आप जो है सुन सकते हैं 4G डेटा को यूज़ करके। और जियो मैक्स करके भी सर्विस है एक जो इसी के अंदर है। जो ये सारी एप्लीकेशन जो हैं, सर्विसेज जो हैं, ये रिलायंस के लाइव सीरीज स्मार्टफोन से प्री इंस्टॉल आएंगी, तो आप आराम से इन एप्लीकेशन को
यूज़ करके ये सारा डेटा कंज्यूम कर सकते हैं। आपको कुछ भी अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कुछ भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब प्रीमियम मैगजीन्स आपको मिलेंगी जियो मैगजीन के अंदर, जियो न्यूज़ के अंदर आपको न्यूज़ मिलेंगी, ऐसे ही जियो एक्सप्रेस न्यूज़ है जिसमें आपको एक्सप्रेस क्विक न्यूज़ मिलेंगी जो ट्विटर से फेच होंगी। अगर हम बात करें स्टोरेज के मामले में तो आपको स्टोरेज भी मिलेगी इसमें, तो आपको तकरीबन 5 GB की फ्री स्टोरेज मिलेगी ऑनलाइन जिस पे आप बैकअप कर सकते हैं, फाइल्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। और साथ साथ आपको जियो सिक्योरिटी भी ना इन फोन्स के ऊपर इंस्टॉल मिलेगा जो कि एक सिक्योरिटी एंटीवायरस जैसी एप्लीकेशन है जो आपको मिलती है। तो ये सारी चीज़ें के साथ साथ इसके अंदर आपको 15,000 रुपये का जियो मनी अकाउंट के कूपन्स मिलेंगे जो कि रिलायंस का एक अपना इकोसिस्टम होने वाला है। तो रिलायंस कुछ इस तरह से जियो को रोल आउट करेगा कि एक तरह का इकोसिस्टम बन जाएगा, जो भी रिलायंस जियो को यूज़ करेगा उनको कुछ कूपन्स मिलेंगे और उन कूपन्स को वो अलग अलग तरह से रिडीम कर सकते हैं, किसी सर्विसेज के अंदर, लाइव टीवी के अंदर, लाइव म्यूज़िक के म्यूज़िक सर्विसेज के अंदर आप गाने सुन सकते हैं उनसे। तो वो 15,000 के कूपन जो आपको मिलेंगे वो आप रिलायंस के इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग चीज़ें कंज्यूम करने में, लाइव टीवी में और चीज़ों के अंदर आप उनको यूज़ कर पाएंगे। अगर हम बात करें इसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके बारे में, तो इसमें आपको क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें मिल रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने अपने नोटपैड पे नोट कर ली हैं और मैं उन सब चीज़ों को पढ़ के ही यहाँ पे आपसे बोल रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से इसकी चीज़ें हैं। अगर हम देखें तो अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको जो कि डिजिटल डेटा के अंदर मिलेगा, अनलिमिटेड डेटा मिलेगा ऐसा वो कह रहे हैं रिलायंस जियो ऑफर में। साथ ही साथ इसमें हाई डेफिनेशन वीडियो कॉलिंग आप कर सकते हैं, यानी कि वॉइस ओवर एलटी यूज़ करके HD वीडियो कॉलिंग आप कर सकते हैं, HD वॉइस कॉलिंग भी आप कर सकते हैं और तकरीबन 1500 मिनट आपको उसके अंदर मिलेंगे। हाई स्पीड डेटा मिलेगा जिसके ऊपर कोई भी कैप नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कुछ कोई ऐसी चीज़ होगी जो नहीं यहाँ पे बताई गई है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। अगर हम बात करें और चीज़ों के बारे में तो 8 प्रीमियम जियो एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताई हैं इन सब एप्लीकेशन का आपको एक्सेस मिलेगा, 9,000 फ्री SMS आपको इसमें मिलेंगे। और अगर हम बाकी चीज़ों के बारे में बात करें तो इसमें आपको ओवरऑल एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि बाकी स्मार्टफोन्स में आपको डेटा के फॉर्म में नहीं मिल पाता है। अगर हम 4G की बात करें तो एयरटेल का 4G अगर आप यूज़ करें तो अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे ही अच्छा है। सेम कुछ रिलायंस जियो के साथ है, अगर रिलायंस जियो भी आप यूज़ करेंगे तो सब जगह ये इतने अच्छे से नहीं होने वाला है, लेकिन आप इसे कुछ हद तक यूज़ कर पाएंगे और इतनी सारी चीज़ों को कंज्यूम कर पाएंगे जो आपको मिलेंगी, लेकिन इनमें से कुछ भी आपको फ्री में मिल रहा है। तो ये मत सोचिएगा कि कुछ भी आपको फ्री में मिल रहा है, क्योंकि आपको इन सर्विसेज को रिडीम करने के लिए, रिलायंस जियो का फ्री 4G सिम कार्ड को पाने के लिए आपको जरूर जरूर रिलायंस का लाइव स्मार्टफोन खरीदना होगा, और वो भी इनके डिजिटल स्टोर पे खरीदना होगा। जो प्राइस ये बोलेंगे उस प्राइस पे आपको खरीदना होगा। 5,000 रुपये का मिनिमम प्राइस पॉइंट पे आप, तो समझ लीजिए 5,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर आप इसको ये चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो कि रिलायंस जियो सर्विस है। अब मैं बता देता हूँ कि क्या आपको करना होगा। अगर आपको एक इन्वाइट आए तो उसके अंदर आपको एक रेफर नाउ बटन मिलेगा ईमेल के अंदर, उसको आपको क्लिक करना होगा, सॉरी रेफर नाउ बटन आपके दोस्त को क्लिक करना होगा जो कि रिलायंस के अंदर एम्प्लॉय है, और वो आपको इनवाइट कर सकते हैं। उसके बाद वो आपका ईमेल आईडी उसमें डाल देंगे, जो ईमेल पे आपको वो इनवाइट आएगा उस ईमेल को आप प्रिंट निकाल लीजिए और अपना एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ दोनों की ही जो फोटोकॉपी है और ओरिजिनल आप अपने साथ लेके जाएंगे, और आपको रिलायंस डिजिटल के स्टोर पे जाना होगा या फिर DX मिनी स्टोर पे जाना होगा। वहाँ जाके आपको एक फ़ोन सिलेक्ट करना होगा जो कि लाइव स्मार्टफोन सीरीज में से होगा जो रिलायंस के फ़ोन है, और उनमें से किसी एक फ़ोन को आपको खरीदना होगा। इसके बाद सारी फॉर्म्स एंड फॉर्मेलिटीज होने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर ये कंफर्मेशन हो जाएगी और आपको प्रीव्यू ऑफर जो है आपके फ़ोन पे रोल आउट हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो आप इनके कस्टमर सपोर्ट में जाके इनसे बात कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि एक्चुअली में वो वॉइस ओवर LTE क्यों ज़रूरी है। वॉइस ओवर LTE अगर आप देखें तो कभी आप किसी से भी बात करते हैं आज के टाइम पे तो कॉल ड्रॉप बहुत होती है, चाहे आप मेट्रो की बात करें या बाहर की बात करें, तो वो कॉल ड्रॉप जो है और जो वॉइस क्लैरिटी है वो इतनी साफ नहीं होती है। कई बार आप कुछ सुनने की कोशिश करते हैं फ़ोन पे, लेकिन समझ में नहीं आता है कि दूसरा बंदा फ़ोन की दूसरी तरफ से क्या बोल रहा है, जो आपसे बात कर रहे हैं वो उनकी बात समझ में नहीं आती है। तो वॉइस ओवर LTE एक्चुअली उसका एक छोटा सा सॉल्यूशन है। अगर आपके पास 4G का बैंडविड्थ प्रॉपर है उस एरिया के अंदर और सर्विसेज रोल्ड आउट हैं प्रॉपरली, तो आप एक अच्छी वॉइस क्लैरिटी के साथ उनसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये 4G है तो आपको हाई स्पीड डेटा मिलता है, जो कि अच्छी बात है, 3G से तो डेफिनेटली बेटर है। तो अगर आपको कोई भी वीडियो सर्विसेज कंज्यूम करनी है जिसमें आप हाई डेफिनेशन वीडियो देख रहे हैं, तो आपको इस तरह की सर्विसेज की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ये जानना कि
क्या ये फ़ोन, क्या ये वॉइस ओवर एलटीई या फिर रिलायंस जियो आपके फ़ोन पे सपोर्टेड है या नहीं, इसके लिए आप क्या करें। तो इसके लिए मैंने एक आर्टिकल लिखा है हमारी वेबसाइट पे, हमने एक आर्टिकल लिखा हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका फ़ोन वॉइस ओवर एलटी सपोर्ट करता है या नहीं। अदरवाइज उस फ़ोन के बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको बता देंगे कि उसमें वॉइस ओवर एलटी है या नहीं। अगर आपके फ़ोन में अभी वॉइस ओवर एलटी सपोर्टेड भी है तब भी शायद उस पर आप रिलायंस जियो यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अभी रिलायंस के ही फ़ोन्स पे सपोर्टेड है और समय के साथ ये बाकी और फ़ोन्स पे भी सपोर्टेड हो जाएगा। और रिलायंस बेसिकली अपने इन फ़ोन्स को सेल करने की कोशिश कर रहा है रिलायंस प्रीव्यू ऑफर के थ्रू, जिसमें आपको कम से कम 5,000 रुपये देने हैं, एक फ़ोन खरीदना है और उसके बाद आपको फ्री डेटा मिल जाता है, वॉइस ओवर एलटी मिल जाती है, HD वीडियो कॉलिंग मिल जाती है, इतनी सारी सर्विसेज मिल जाती हैं, सब कुछ फ्री मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्चुअली में फ्री नहीं मिलता है, ये सब आपको 5,000 रुपये मिनिमम स्पेंड करने पे मिलता है। अगर हम बात करें और चीज़ों के बारे में, तो फ्री सिम के लिए आपको सिर्फ एक इनवाइट की ज़रूरत है, जो कि आपका कोई भी फ्रेंड या आपका कोई भी जानकार जो कि रिलायंस कंपनी में काम करता है वो आपको इनवाइट कर सकते हैं। तो इस कुछ इस तरह से इन सर्विसेज के बारे में मैं बताना चाहता था। अब सबसे बड़ी बात, रिलायंस जियो का ऑलरेडी लॉन्च डिले हो गया है, तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि अगर आपको इसके बारे में थोड़ी सी भी क्यूरियोसिटी है और आप रिलायंस जियो को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो रुक जाइए, जल्दबाजी बिल्कुल मत दिखाइए और कुछ समय रुक जाइए। मेरे ख्याल से कुछ 3-4 महीने के अंदर ये सब चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी और फिर आपके जो रेगुलर स्मार्टफोन आप मार्केट से खरीदते हैं उसी पे आप रिलायंस जियो यूज़ कर पाएंगे। अच्छी बात यह है कि रिलायंस जियो जब आएगा, जिस सर्विसेज के साथ आ रहा है, जितनी सारे प्रॉमिसेज इन्होंने किए हैं, वो सब चीज़ें अगर उसमें से ये हाफ भी मेंटेन कर लेते हैं तो ये बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी लोगों के लिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरीज रह गई हैं तो प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए, अगर आप इस तरह के वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।